हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अजीज बहन भाइयों, आज हम एक बड़े खास मौजू पर बात करेंगे। मत्ती की इंजील के 24 बाब को हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। मत्ती 24 बाब उसकी 9वीं आयत आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अखीर जमाना है और अखीर जमाना में क्या कुछ होने को है। ये सारी बातें आज हम तफसील के साथ सीखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, उस वक्त लोग तुमको ऐजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा यीशु मसीह की अजीम बरकत हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदावंद के ममसूओ, खुदावंद के खादमों, कलीसिया, आज हम परसिक्यूशन के बारे में बात करेंगे, ऐजा रसाने के बारे में बात करेंगे। और ये ऐजा रसाने जो है ये आज से नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप मत्ती 24 बाब की तीसरी आयत पढ़ते हैं, चौथी आयत पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा था कि अखीर जमाना में क्या कुछ होने वाला है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जबान खोलकर अपने शागिर्दों से बात की कि गुमराह नहीं होना, लड़ाइयां होंगी, कत्ल होगा, काल पड़ेगा, भूचाल आएगा। बहुत सारी बातें करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात 9वीं आयत में कही कि लोग तुमको ऐजा देने के लिए पकड़वाएंगे। इससे पहले कि हम अपने इस मजमून का आगाज करें, मैं आपसे, अपने आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारा दुश्मन कौन है? बहुत से लोग कहते हैं हमारा दुश्मन अब्लीस है, हमारा दुश्मन फला फला है, लेकिन आपका और मेरा दुश्मन खुदावंद यीशु मसीह के कलाम अक़दस के मुताबिक हमारे अपने घर के लोग हैं, जो हमें मुख्तलिफ तरीके से ऐजा देते हैं, ऐजा रसानी में पहुंचाते हैं, दुख देते हैं और रिजेक्ट करते हैं। अब आए हम इस मजमून को देखेंगे कि परसिक्यूशन क्या चीज है। इब्रानी लफ्ज रफदा है, इसका मतलब है रिजेक्टेड ड्यू टू फेथ। ईमान के वसीला से हम रिजेक्ट होते हैं या हमें लोग कबूल नहीं करते, ये परसिक्यूशन का असल मतलब है। और जब हम खुदा के म्यार से नीचे गिर जाते हैं, खुदा का एक म्यार है, खुदा का एक स्टेटस है, खुदा अपने म्यार के मुताबिक अपने लोगों के साथ बात करता है, फिर खुदा हमें रिजेक्ट करता है। और जब हम अपने खानदान के म्यार से गिर जाते हैं, हमारा खानदान हमें रिजेक्ट कर देता है। और जब हम किसी ऑफिस में, किसी घर में, किसी जगह पे उस बॉस के लिए, बॉस के म्यार से नीचे गिर जाते हैं, वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें रिजेक्शन से बचने के लिए क्या करना है, खुदा के म्यार के मुताबिक चलने की जरूरत है। कज़ाद की किताब प्लीज मेरे साथ निकालें। कज़ाद की किताब में एक अजीम शख्सियत के बारे में आज बात करेंगे कि उसको किस तरीके से खुदा ने रिजेक्ट किया। वो शख्स माँ के पेट से ममसू था। आप कज़ाद की किताब के 14, 15 और 16 बाब को गौर से पढ़िएगा। और यहां पर एक शख्स है जिसका नाम समसोन है, और ये शख्स अपनी माँ के पेट से ममसू पैदा हुआ है। ये आम शख्स नहीं पैदा हुआ, उसके बाप का नाम मनुहा और उसकी माँ जो है, ये दोनों एक ममसू थे। और खुदा ने वाज़े तौर पर उनके साथ कलाम किया था कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, उसके सर पे उस्तरा नहीं फिरना चाहिए और फिर उसको कोई नशा आवर चीज नहीं देनी चाहिए। और उसने जब खुदा के म्यार को कबूल ना किया, खुदा के म्यार से गिर गया,
खुदा के म्यार को उसने छोड़ दिया, तो खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना है? खुदा के म्यार के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी है। हमें खुदा के कलाम की ताबे फरमानी करनी है, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। और जब जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, हमें खुदा कभी रिजेक्ट नहीं करता। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है जब वो शख्स खुदा के म्यार से नीचे गिर जाता है। परसिक्यूशन का और जो जिस्मानी मतलब है, उसका मतलब है नाजेबा सलूक, नाजेबा सलूक, दुश्मनी करना। और ये दुश्मनी नाजेबा सलूक जो है, सियासी भी हो सकता है, खानदानी भी हो सकता है, कुछ और दुश्मनी हो सकती है, मजहबी रंग भी हो सकता है, और इसके साथ साथ बगैर वजह के भी लोग आपसे नफरत करते हैं, ये परसिक्यूशन है। और फिर हमें इस बात को जानना है कि एज़ा रसानी, जुल्म और सितम, जारियत, अदावत, खानदानी, मजहबी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पे, किसी तौर पर भी आपकी जिंदगी में परसिक्यूशन आ सकती है। क्योंकि कलाम में खुदा में ये बात लिखी हुई है कि परसिक्यूशन का होना जो है, एज़ा रसानी का होना जो है, वो जरूर है। अब थोड़ी सी तारीखी बात करेंगे। मसीही जिंदगी में सबसे पहले परसिक्यूशन किसने की थी? एक शहंशाह, उसका नाम नीरू बादशाह था। उसने क्या किया था? उसने तमाम मसीहियों को टारगेट किया था। 64 AD में उसने क्या किया, जब उसकी हुकूमत रोम के अंदर थी, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने उस रोम के शहर को बर्बाद कर दिया। और वहां फिर उसने एक ऐसा काम किया कि उन तमाम लोगों को मारने के लिए वो खुद जिम्मेदार हुआ। इसलिए सबसे पहले परसिक्यूशन जो है वो नीरू बादशाह के दौर में हुई, और उसने पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। और आज भी अगर आप देखो तो बहुत सी जगहों पे लोग पूरे पूरे शहरों को बर्बाद इसलिए करते हैं कि उनकी जाती मुखालफत होती है, क्रिश्चियाई मुखालफत होती है। और अगर आप तारीखी की बात करें तो ज्यूज जो है वो 99% परसिक्यूट हो रहे हैं, हिंदू भी हो रहे हैं, मुस्लिम भी हो रहे हैं, मसीही भी हो रहे हैं। और आप इसको ओवरहाल अगर देखें तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड किसी ना किसी तरीके से अपने ईमान के हाथों दुखों में पहुंच जाते हैं। और ये एक आम बात है, परसिक्यूशन होना एक आम बात है, एज़ा रसानी होना एक आम बात है। और जहां जहां अकलियत में लोग होते हैं उनके साथ एज़ा रसानी होती रहती है। आलमगीर दुनिया में 900 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी तौर पर परसिक्यूशन के खिलाफ बगावत की थी। 2010 के मुताबिक 800 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में उन्होंने बगावत की, कि उनको एज़ा रसानी दी गई थी। अफ्रीका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत सारी जगहों में, इवन के यूरोप में और नॉर्थ अफ्रीका में, हर जगह पे लोग परसिक्यूशन के तहत बगावत करते हैं। क्योंकि जब जुल्म जो है हद से बढ़ जाता है तो फिर लोग बगावत करना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 किस्म की एज़ा रसानी है। सबसे पहली एज़ा रसानी है, ज़हनी तौर पे लोग एज़ा रसानी का शिकार हो जाते हैं, फिर जस्मानी तौर पे लोगों को एज़ा रसानी मिलती है, फिर मुआशी तौर पे लोगों को एज़ा रसानी मिलती है, और चौथी बात मैंने लिखी हुई है कि रूहानी तौर पे लोग एज़ा रसानी में जाते हैं। पहली एज़ा रसानी जो मैंने बात सीखी है, जो मेंटल परसिक्यूशन है, ज़हनी तौर पे लोग एज़ा रसानी में जाते हैं, वो अब्लीस का एक जबरदस्त हथियार है। पदाइश की किताब के दूसरे बाब की 24 आयत में लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा से बड़ी खूबसूरत बात कही थी, और आज भी खुदावंद आसमानी बाप आदम और हवा से एक बात कहते हैं। और कहते क्या हैं? इसलिए मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे।
इब्लीस की सबसे बड़ी चाल आज क्या है कि कपल्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के वसीला से वो लोग एजारसानी का शिकार होते हैं। बताते नहीं कि हम एजारसानी में हैं, पर होते एजारसानी के अंदर हैं। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक एक तन रहें, एक सोच रहें, एक ख्याल रहें, और इसका रिजल्ट पता क्या मिलता है? बीमारियां, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, और कभी कभी तो तलाक तक नौबत आ जाती है। इसलिए इस परसिक्यूशन से हम सबको जरूर बचने की जरूरत है, और खानदान जो है इसके वसीला से बीमारियों का शिकार, परेशानियों का शिकार, मायूसियों का शिकार, और बच्चों के अंदर बेरारवी आ जाती है, और इस परसिक्यूशन के सबब से खानदान तबाह होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस परसिक्यूशन से हम सबको बचने की अशद जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में आप जो जिस्मानी परसिक्यूशन की बात करेंगे, एक बड़ा अजीम वाक्या बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अय्यूब नबी का सहीफा आप प्लीज गौर से पढ़िएगा, और यहां पर आप देखें तो एक खूबसूरत बात अय्यूब ने अपने बारे में कही है। इसको आप गौर से पढ़ें, पहले बाब की 12वीं आयत को आप देखें तो यहां पर आपको खूबसूरत बात मिल जाएगी। लिखा है, खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के हजूर से चला गया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब यहां पे शैतान जो है वो खुदा से सवालो जवाब करता है कि तेरा ये बंदा रास्तबाज है, तेरा बंदा ये बेऐब है, तेरा ये बंदा कामिल है, खुदा से डरता है, और सबसे बड़ी बात बदी से दूर रहता है। ये शैतान अय्यूब को गिराना चाहता था, लेकिन खुदा ने शैतान से कहा कि तू जा, जो तूने इससे करना है तू कर ले। और आप इस पूरे वाक्य से वाकिफ हैं कि किस तरीके से उसको फोड़े आए, उसके जख्म हुए, और फिर दूसरे बाप की 7वीं आयत में जो अजियत की बात थी आप इसको पढ़ सकते हैं। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब के तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। कितनी दुख की बात है, आप पूरा सहीफा पढ़ें। पर उसने खुदा के खिलाफ मुंह ना खोला, उसने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने नहीं दिया। उसने एक ही बात कही, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, एक और जिस्मानी तौर पर जो इसको अजियत मिली, उसकी अपनी बीवी ने उसको मशवरा दिया कि तो खुदावन की तहकीर कर दे, छोड़ दे इस खुदा को, किस खुदा की तो इबादत करता है। और आज भी जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे आपको बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें कहेंगे, छोड़ इस खुदा को, किस खुदा के पीछे पड़ा हुआ है। तो गुर्बत में है, बीमारी में है, मायूसी में है, परेशानी में है, दुख में है। लेकिन अय्यूब से बात सीखें आप। अय्यूब ने कहा था कि जो खुदा मुझे सुख देता है, अगर वो खुदा दुख भी दे तो मैं उस दुख को अपने हाथ उठाकर शुक्रगुजारी के साथ कबूल करूंगा। पदाइश 37 बाप निकालें प्लीज। एक शख्स खुदावंद का ममसूब, खुदावंद का बंदा, जिसका नाम जोसेफ है, जिसका नाम यूसुफ है। आप 37 बाप से जब आगे तक आप पढ़ते हो तो यहां पर एक अजीम वाक्या आपको मिलता है, और इस अजीम वाक्या में यूसुफ के अपने भाइयों ने, जो अपने बाप का ये बहुत प्यारा बच्चा था, क्या किया? बेच दिया। 17 वर्ष का नौजवान भेड़ बकरियां चराता है, और जब उसने ख्वाब देखा कि मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई और मेरी माँ बाप मुझे सजदा कर रहे हैं, प्यारे बहन भाइयों, उसके भाइयों ने हसद किया,
उसके भाइयों ने कीना रखा अपने अंदर, सबसे छोटा 17 साल का, मैं कितना कादावर हूं, मैं कितना सेहतमंद हूं, अकलमंद हूं, मैं इसको सजदा करूंगा, मेरा बाप सजदा करेगा, मेरी मां सजदा करेगी। उससे बुगज खाने लगे। और फिर इस पूरे हवाले को आप पढ़ लें प्लीज, पूरा 29 बाब तक पढ़ें और 39 बाब तक पढ़ें तो आपको समझ आएगी, उसको कुएं में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। इस एजारसानी की हालत के अंदर खुदा ने उसको सरफराज किया। और फिर 39 बाब में पढ़ें तो वो फोतीफार के घर के अंदर था, और उसके बाद फोतीफार की बीवी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उससे भी वो बच गया, जेल में चला गया। आप देखें किस तौर पे, जिस्मानी तौर पे उसको अजियत मिल रही है, लेकिन इमानुएल खुदा, रब्बुल फाज खुदा, रब्बुल फाज खुदा उसके साथ था, और उसकी हर इस हर एक एजरसानी में खुदा ने उसके साथ कलाम किया और खुदा उसके साथ था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दरोगा हो, कैदखाना का दरोगा हो, बादशाह हो, बादशाह के लोग हो, खुदा ने सब हालतों में उसको सरफराज किया, इसलिए कि उसने अपने आप को खुदा के ताबे किया, वो समसून ना बना। यरमिया नबी के सहीफा में आप देखें प्लीज, उसके 11वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं उस पालतू बर्रा की मानत था जिसे जबा करने को ले जाते थे और मुझे मालूम ना था उन्होंने मेरे खिलाफ मंसूबे बांधे हैं, और के आओ दरख्त को उसके फल समेत नहीं करें और उसे जिंदों की जमीन से काट डालें ताकि उसका उसके नाम का जिक्र तक बाकी ना रहे। ये काम किसने किया? यूसुफ के भाइयों ने। उसको कुएं में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया ताकि उसका नाम खत्म करने के वो चक्कर में थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस्मानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कितनी अजियत दी। यशायाह 53 बाब पूरा पढ़ें आप प्लीज, 7वीं आयत लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बर्रा जिसे जबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। अजीज बहन भाइयों, अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप खुदा के कलाम की ताबे फरमानी करेंगे, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे, तो फिर आप एजारसानी से बच जाएंगे। पहला सलातीन उसका 19 बाब की पहली 4 आयत पढ़े, लिखा है, अखियब ने सब को जो एलिया को एलिया ने किया था, कि एलिया ने क्या किया था, 850 झूठे नबियों को उसने मारा था, और मारने के बाद जब एजीबल ने एलिया को पैगाम पहुंचाया, एजीबल ने अखियब से सब बातें डिस्कस की, उसको बता दिया कि एलिया के साथ क्या होने वाला है, तो यहां पर हम इस बात को पढ़ेंगे और अपने लिए नसीहत हासिल करेंगे। अखियब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और यह भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजीबल को बुलाया। सो एजीबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल उस वक्त तक तेरी जान को उनकी उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। जब उसने ये सब देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बैर सभा में जो यहूदा का है आया और अपने खादमों को वहीं छोड़ दिया और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस बस है, अब तू ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, और फिर आगे हम इसको पढ़ते हैं तो एलिया ने क्या किया, एक गार के अंदर चला गया। और आज मैं गार के बारे में गौर कर रहा था
कि गार जो है वो मुर्दे रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खो एलिया 850 झूठे नबियों को मारने वाला, कत्ल करने वाला, बाल के पुजारियों को खत्म करने वाला, और क्या मांग रहा है? मौत मांग रहा है। खुदा यसु मसीह ने कहा था, जान देने तक वफादार रह, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इसने क्या किया है? अब खुदावन तो मुझे मौत दे दे, बस मेरी बस होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या ये जिस्मानी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था? कलाम में तो लिखा हुआ है, अगर तू अब्लीस का मुकाबला करेगा वो तुमसे भाग जाएगा। ये खुद भाग गया है और क्या क्या मांग रहा है? बस मुझे मौत चाहिए, अब मेरी बस है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी खत्म है, मैं इस एजिबल का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इस शख्स का अखियब का मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी सी वार्निंग मिली है, इसने भागना शुरू कर दिया है। तो आज आपके लिए, मेरे लिए पैगाम ये है कि जब जिस्मानी अजियत आए तो फिर आसमानी बाप के सामने घुटने टेक लिया करें, क्योंकि आसमानी बाप ने खुद आपसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अमोस की किताब 7 बाब की 10-17 तक पढ़ सकते हैं। तब बैतेल के कहन इमसिया ने शाह इसराइल यरबआम को कहला भेजा कि अमोस ने तेरे खिलाफ नबूवत, तेरे खिलाफ बनी इसराइल में फितना बरपा किया है और मैं उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं है। अब इस हवाला को आप प्लीज पूरा पढ़ें। खुदा का बंदा आमोस नबी है, उसने इसराइल और यरबाम के बारे में आपको पता है कि उसने किस तरीके से बनी इसराइल के अंदर बदकारी को प्रमोट किया था, बदकारी का तरीका बताया था कि किस तौर पे फिलिस्तीनियों के लड़कियां और लड़कों के साथ वो बदकारी कर सकते हैं। बलाम की बात को उसने बनी इसराइल को लानत नहीं की थी, बल्कि क्या किया था? उसने कहा मैं इनको लानत नहीं कर सकता, ये बरकत के वारस हैं। एक तरीका, बदी का तरीका बता गया। और यहां पर लिखा है कि अमोस क्यों कहता है यरबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएंगे। और इमसिया ने अमोस से कहा, अय गैब गो, तो यहूदा के मुल्क को भाग जा, वही खा पी और नबूवत कर, क्योंकि इसकी नबूवत को वो सुनना पसंद नहीं करते थे। लिखा है, पर बैतेल में फिर कभी नबूवत ना करना, खुदा के कलाम को सुनने के लिए लोग आपको घर से निकाल देंगे। नबूवत को सुनना पसंद नहीं करते, नबूवत की बातों पर कान नहीं लगाते, खुदा के इल्हाम की बातों पर कान नहीं लगाते और कहते हैं भाग जाए यहां से, भाग, तेरा यहां कोई काम नहीं है। तब अमोस ने इमसिया को जवाब दिया, ना मैं ना नबी हूं ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा हूं और गुलर के का फल बटोरने वाला हूं, और मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावन ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इसराइल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावन का कलाम सुन, तो कहता है इसराइल के खिलाफ नबूवत और इसहाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर। इसलिए खुदावन यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कस्बी बनेगी और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी जमीन जरीब से तकसीम की जाएगी और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा। और इसराइल यकीनन, अमोस की किताब 7 बाब की 10 आयत से 17 आयत तक आप प्लीज पढ़ें। यहां पर लिखा है, तब बैतेल का के काहन इमसिया ने शाह इसराइल यरबाम को कहला भेजा कि अमोस ने तेरे खिलाफ बनी इसराइल से फितना बरपा किया है और मुल्क में उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं। प्यारे बहन भाइयों, अब इस खुदा के बंदा की बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उसकी वजह क्या है कि यरबाम एक नबी था, उसने बलक बादशाह के कहने पर, बनी इसराइल की गिनती किताब आप पढ़ सकते हैं, उसने बलक के कहने पर बनी इसराइल पर लानत नहीं की थी, लेकिन उनकी अंदर बदकारी को प्रमोट करने के लिए
एक चाबी भर गया था, एक तरीका बता गया था। और फिर इन लोगों ने इस अमोस नबी को, जब उसने ये सारी बातें वहां पे कही, तो उनसे कहा कि हम तेरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम इसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। उसने कहा, जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावन ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इसराइल से नबूवत कर, खुदा ने उसको भेजा है। बस अब तो खुदावन का कलाम सुन, तू कहता है कि बनी इसराइल के खिलाफ नबूवत और इसहाक ईरानी के खिलाफ कलाम ना कर, इसलिए खुदावन यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कस्बी बनेगी और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी जमीन जरीब से तकसीम की जाएगी और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। जब ये सब बातें उन्होंने कही, उन्होंने क्या कहा, अमोस नबी यहां से चला जा, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको पसंद ना किया, क्योंकि कोई शख्स है, कोई शख्स भी खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक और शख्स है जिसको जिस्मानी तौर पे अजियत दी गई, उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आप इसको पढ़ सकते हैं, लूका की इंजील के नामे बाप नामी याद पढ़े तो लिखा है, फिर वो क्यों गए थे, क्या एक नबी देखने, हाँ मैं तुमसे कहता हूं बल्कि नबी से भी बड़े को। और फिर आगे आप पढ़ें मत्ती की इंजील के 14वें बाप की पहली 12 याद पढ़ें तो वहां पर एक अजीम वाक्या है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, मत्ती की इंजील के 14वें बाप की आप 12 याद निकालें और यहां पर आपको एक अजीम वाक्या मिलेगा। और वाक्या ये है कि हेरोदीस, लिखा है कि उस चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस की शोहरत यस्सु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए ये मौज से जाहिर होते हैं। इसकी तफसील मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे क्या हुआ था। हुआ वहां पे यूं था कि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्स की बीवी हेरोदियास को क्या कर लिया था, अपने लिए बीवी बना लिया था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदीस बादशाह से कहा था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, और ये बात उसको पसंद ना आई। उसके बीवी ने क्या चलाकी की, जब पूरी महफल सज गई थी तो उसकी हेरोदीस की अपनी ही बेटी ने वहां पर नाच किया, उसने डांस किया और डांस करने के बाद बादशाह को खुश किया, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी नहीं थी, उसकी दूसरी बीवी के वसीला से बेटी थी। और उसकी मां ने, जब उस बादशाह ने पूछा कि तुझे मैं क्या दूं, आदि सल्तनत तक मैं तुझे दे सकता हूं, और उसने अपनी मां से मशवरा किया, उसकी मां ने कहा कि उस सल्तनत को छोड़ दे, इस शख्स का सर मांग ले जिसने मुझे बदनाम किया है और बादशाह को बदनाम किया है। इस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर उसने मांगा, और चूंकि बादशाह ने कहा था कि जो तू मांगेगी, जो तू डिमांड करेगी, वो तुझे दिया जाएगा। मेरे बहन भाइयों, उसका सर कट गया और थाल में रखकर उसका सर जो है वो उस बेटी को दिया गया। क्या उसको फायदा मिला, एक ममसू, एक खुदा का बंदा, जो बियाबान पे खुदावंत की राह तैयार करने वाला शख्स था, वो इस सफा हस्ती से मिट गया। लेकिन उसके खून की बाजपुर जो है वो हेरोदियास पर और उस बेटी, जो उनकी बेटी थी, उनके सर लग गया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हमें ऐसा काम करना है? कलाम में तो लिखा है खरूज में, तू खून ना कर, और जो खून मांगती है वो भी खूनी है। इसलिए ऐसी ऐजा रसानी आएंगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह ने
متی کی انجیل کے پانچ باب کی دسویں آیت میں کہا تھا, مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. جو راست باز لوگ ہوتے ہیں, راست بازی کے لیے بلائے گئے ہیں, اگر وہ کسی سبب سے جو ہے وہ مارے بھی جائیں گے تو خداوند مکاشفات 2 باب کی 10 آیت کے مطابق جان دینے تک بھی وفادار رہے. لیکن گناہ سے کمپرومائز نہ کر, بدی سے کمپرومائز نہ کر, ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں کہنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 5 باب کی 12 آیت میں کہا ہے, خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. اس لیے جب کبھی آپ کو ایزا رسانی ملے, خوشی منائیں, شادمان ہوں, کیونکہ نبیوں کو بھی ایسے کیا گیا تھا. اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا تھا یوحنا کی انجیل میں کہ تم سے پہلے میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا, اور اس بات کو تصدیق کرتی ہے کہ جب کبھی ہمیں ایزا رسانی ہو تو ہم کہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسے ہوا ہے. اگر ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. متی کی یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 18 آیت لکھا ہے, اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے. میرے پیارے بہن بھائیو, خدا یسوع مسیح نے نبوتی کلام کیا ہوا ہے لوکا کی انجیل کے 12 باب کی 4 آیت سے لے کر 7 آیت میں, مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص آپ کے بدن کو قتل کر دے, آپ کو صفائی ہستی سے مٹا دے, تو کتنے خادم اور آپ کے قتل ہونے کے وسیلہ سے پیدا ہو جائیں گے. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں, جتاتا ہوں, لکھے میں تمہیں جتاتا ہوں, کس سے ڈرنا چاہیے؟ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے. ہاں میں تم سے کہتا ہوں اسی سے ڈرو. کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی, بلکہ تمہارے سر کے سب بال گھنے ہوئے ہیں. ڈرو مت, تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے بھی زیادہ ہے. میرے پیارے بہن بھائیو, خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ایزا رسانی ہونا ضروری ہے. ایزا رسانی ہونے کے لیے ہونا جو ہے اشد ضروری ہے. پھر امال کی کتاب کے 14 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے, اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت کرتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو, اور کہتے تھے کہ ضرور ہے ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. ضرور ہے, لازم ہے کہ مصیبتیں ہم پر آئیں, لازمی بات ہے. مصیبتوں کے بغیر اور کچھ آرا گری ہے نہیں ہے. اور پھر آپ امال کی کتاب کے 5 باب کی 40 سے 42 آیت پڑھیں, لکھا ہے انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا. کیا کیا؟ بینت لگوائے, پٹوایا ان کو, اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. اور پھر پترس اور یوحنا, لکھا ہے پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے, اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع مسیح ہے باز نہ آئے. مار کھائی ہے پر کلام سنانے سے باز نہیں آئے گا. امال کتاب کے 8 باب میں ایک عظیم واقعہ ہے, اور وہ ہے سٹیفنس کے بارے میں. سٹیفنس کو سنسار کیا گیا, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے, پہلی آیت سے آپ جب پڑھتے ہو لکھا ہے, اور سول اس کے قتل پر راضی تھا. کون؟ سول اس کے قتل پر راضی تھا. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور سول اس قتل پر راضی تھا,
और सातवें बाप में पूरा आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से स्तिफनस को संसार किया गया। और फिर आगे लिखा है, और उसी दिन उस कलीसिया में जो यरूशलम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ। स्तिफनस मार गया, सौल राजी था, और साथ एडिशन क्या हुआ है और क्या मिला है कि तमाम लोग कलीसिया के अंदर जो थे वो उसके उस पर जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और सुलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की इतराफ में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग स्टिफनस को दफन करने के लिए ले गए और बड़ा मातम हुआ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, और आगे लिखा है, और सऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा। सऊल का काम क्या था? कलीसिया को मारना है, और घरों में घुस घुस कर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। पास जो प्रगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, कलाम नहीं रुका, कलाम का काम नहीं रुका। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें समझना और जानना है कि इस बुरे हालात में अखीर जमाना में कभी हम पर भी ये बात आ सकती है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाप 11वीं आयत प्लीज पढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। मगर आगे 12वीं आयत बड़ी मजे की है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें खुदावंत यीशु मसीह के साथ ऐसे हुआ, और कभी हमारे साथ ऐसा हो तो हम भी इस बात के लिए तैयार रहने की हमें जरूरत है। लुका की इंजील के 24 बाब की आप 19 आयत से लेके 21 आयत तक पढ़ें। ये एक अजीम वाक्या है, खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद यीशु मसीह की आसमान पे जाने से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे बताई है। आप इसको पढ़ेंगे, लिखा है, उसने उनसे कहा क्या हुआ। ये एक वाक्य अमूस की राह पे एक वाक्य है। ये लोग खुदावंद को पहचान नहीं रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खुदावंद को रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, आप देखें कि वहां पर एक माजरे की बात कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम में कुदरत वाला खुदा था। किस तौर पे सरदार कहनों ने हाकमों ने उसे पकड़वाया ताकि उसके कत्ल करें, उसे मसलूब करें, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल की मखलसी यही देगा। अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसे हुआ, यूहन्ना के साथ ऐसे हुआ, पत्रस साथ ऐसे हुआ, रसूलों साथ ऐसे हुआ। आज अगर हमारे साथ दुनिया अदावत रखती है तो कोई नया काम नहीं है। अब हम पौलुस की बात करेंगे। दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाब प्लीज निकालें, और उसकी 23 आयत से लेकर आप 28 आयत तक प्लीज पढ़ें। यहां पर पौलुस रसूल अपनी बात बयान करता है, वो खूब बताता है कि क्या वही मसीह के खादम हैं। आप पढ़ें इसको गौर से प्लीज, क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा यह कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए। मेरे बहन भाइयों, अंदाजा करें, खुदावंद यीशु मसीह ने 1 बार कोड़े खाए, पौलुस रसूल ने 5 दफा एक कम 40 कोड़े खाए हैं। वो बता रहा है मेरी ऐजारसानी कितनी है, मेरा दुख कितना है। और फिर कहता है 3 बार बैंत खाए, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन सफर में काटा, और लिखा है, और कई बार मैं सफर में दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा पाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा, और बातों के अलावा
जिनका मैं जिक्र नहीं करता। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आदबाती है। मेरे बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने अगर मत्ती 24 बाप में कहा है ना, तो ये बातें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी नबियों के साथ ऐसे हुआ था, खुदा के लोगों के साथ ऐसे हुआ था। इसलिए लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, ऐसा देंगे, कत्ल करेंगे, मारेंगे, लेकिन मत्ती की इंजील के 5वें बाप के मुताबिक तब क्या होना? खुश होना, नहायत शादमान होना कि तुमसे पहले नबियों के साथ ऐसा किया गया था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पालुस रसूल कहता है नामे बाप की 28:29 में, और दलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था। हालेलुया! दलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस करता था, मगर वो उसे मारने के दर पे थे। अंदर कलाम भरा हुआ है, अंदर दलेरी है, और लोग क्या हैं? मारने के लिए तुले हुए हैं। और फिर 14वें बाप की 19 आयत में कहते हैं, मैं फिर यहूदी अंताकिया और इकुनियुम से आए, और बाज यहूदी अंताकिया और इकुनियुम से आए, और लोगों ने अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मेरे बहन भाइयों, ये पौलुस रसूल के साथ हुआ है, और अब वो एक और बात अपने रूहानी फरजंद को बताना चाहता है। गौर से सुनिएगा प्लीज। दूसरा तिमोथियस 2 बाप की 8वीं-9वीं आयत को वो याद रहता है। वो कहता है, यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूं। कैसे दुख उठाता हूं? जैसे लोग बदकार को मारते हैं, डाकू को मारते हैं, जानी को मारते हैं, क्योंकि यहूदी लोग जब कोई शख्स एन फेल पर पकड़ा जाता था उसको संसार करते थे। पौलुस कहता है कि मैं बदकार नहीं हूं, पर बदकार की तरह मारते हैं, बदकार तरह संसार करते हैं। अब अपना दुख वो थे उसको बता रहा है, और दरअसल वो दुख बता नहीं रहा, वो उस दुख के लिए उसको तैयार कर रहा है कि तेरे साथ भी ऐसे हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ है, तेरे साथ भी ऐसे हो सकता है। लेकिन यहां तक कि कैद हूं, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं है। खुदा के कलाम के लिए मैं अवेलेबल हूं, मुयस्सर हूं, और मैं जहां जाता हूं खुदा के कलाम का प्रचार करता हूं। फिर दूसरा तिमोथियस 3:11-12 आयत में वो कहता है, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और मैं दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावन ने मुझे उन सब में नहीं छोड़ा। खुदा ने छुड़ा दिया मुझे, खुदा ने बचा दिया मुझे, खुदा ने मुझे महफूज रखा। लेकिन जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे, उनकी जिंदगी में ऐसा रसानी आएगी। इसलिए आयत तिमोथियस गौर से सुन ले, कान खोल के सुन ले, ऐसा रसानी आएगी, और तुझे ऐसा रसानी में खुदा यीशु मसीह बचाएगा। अजीज बहन भाइयों, आज हम सोचें पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, नेपाल और 1040 विंडो में जितने ममालिक आते हैं, अगर वहां पे आज़रसानी हो रही है, इसके लिए खुश हूं, शादमान हूं, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा ताज मौजूद है। आज हमारा क्या करदार आज़रसानी में होना चाहिए? एक हवाला प्लीज मेरे साथ देखें, रोमियो का खत 8वें बाप को आप प्लीज निकाले। 35 आयत से हम 39 आयत तक पढ़ेंगे, और पौलुस रसूल बेहतरीन बात हम तक पहुंचाता है। कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई नहीं कर सकता मसीह की मोहब्बत से जुदा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, चनाचा लिखा है, हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो जबा होने वाली भेड़ों की तरकीब के बराबर गिने गए हैं।
मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, जिसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा करेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। इसलिए फिक्रमंद नहीं होना, परेशान नहीं होना। हमें करना क्या है? मत्ती की इंजील के 26 बाब की 40-41 आयत लिखा है, शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पत्रस से कहा, क्या तो मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? खुदा यीशु मसीह ऐज़ारसानी में है, कर्ब में है, दुख के अंदर है। आज कलीसिया सोई हुई है, आज पत्रस सोया हुआ है, आज यशुआ सोया हुआ है, आज सैमुअल सोया हुआ है, आज कलीसिया सोई हुई है और खुदा गिला करते हैं कि मेरी ऐज़ारसानी में, मेरे दुखों में तुम एक घड़ी भी ना जाग सके। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। इस कमजोर जिस्म की हालत में भी हमने क्या करना है? जागना और दुआ करनी है ताकि इस ऐज़ारसानी की हालत में हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ सुरखरू हो सकें। अब मैं चंद एक बातें आपसे और करके अपने इस कलाम को, इस मैसेज को फिनिश करूंगा। अगर आप देखें पत्रस और पॉल की बात करते हैं तो 66 एडी में क्या किया था? रोमी हुकूमत के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था और नीरु बादशाह ने सब कुछ किया था, उसका सर जो है वो कलम कर दिया गया था और पत्रस को क्रूसीफाई किया गया था, मसलूब किया गया था। इसलिए परसिक्यूशन जो है, ऐज़ारसानी है, ये नई बात नहीं है। अगर आज परसिक्यूशन हो रही है, ऐज़ारसानी हो रही है, तो कोई नई बात नहीं है। ये शुरू से नबियों के साथ भी ऐसे होता रहा है। फिर इंद्रियास की बात करेंगे। इंद्रियास को भी जो जिसने सोवियत यूनियन में रूस के अंदर जो है उसको जो है कलाम सुनाते सुनाते उसको मसलूब कर दिया गया था। इंद्रियास के बारे में हम देखते हैं कि इंद्रियास जो है वो कलाम सुनाते सुनाते अंजील की बशारत करते करते वो तुर्की में, यूनान में क्या किया गया था? उसको मसलूब किया गया था। तुमा की बात करते हैं, जिसने पाको हिंद में बहुत बड़ा काम किया, उसको तीरों से, सिपाहियों ने तीर मार मार को उसको हलाक कर दिया गया। और ये इसने इंडो पाक में एक अजीम काम किया है। फिलिप्स की बात करते हैं और ये एक जबरदस्त सूरमा था और इसने, इसको भी रोमी अंपायर, रोमी हाकम ने इसको ऐसे दुख से इसको जबा किया था, इसको पकड़ा और इसको मौत की हालत तक उसको पहुंचा दिया। और ये वही फिलिप्स है जिसने हबशी खोजा को बपतिस्मा दिया था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये रसूलों के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ हुआ था। इन सब लोगों को भी शहादत नसीब हुई थी। मत्ती की बात करते हैं जो टैक्स कलेक्टर था और इसको मार मार कर इसको हलाक कर दिया गया, इसको शहीद कर दिया गया था। अथोपिया में इसकी शहादत हुई थी। बर्तमाई की बात करते हैं, इसने अंजील की मनादी के लिए एक लंबा सफर तय किया था। इंडिया में गया और अमेरिका में गया, बहुत सारे और मुल्कों में ये गया और फिर इसकी अंजील सुनाते सुनाते इसको मौत हो गई। जेम्स याकूब, जब्दी का बेटा याकूब, इसकी बात करते हैं, ये इसने भी खुदावंद यीशु मसीह की नए अहदनामा में कितनी खिदमत की, खुदावंद यीशु मसीह के बाद कितनी खिदमत की। और तारीख दान इस बात को कहते हैं, जब्दी के बेटे याकूब की बात करेंगे, इसने नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद अंजील का काम शाम में और बहुत सारी और जगहों पे इसने किया। इसके साथ क्या हुआ?
इसको पत्थर मार मार के संसार किया और इसने शहादत कबूल की। शमौन पीटर, ये पर्शिया में इसने अंजील का काम किया और इसको इसने बुतों की पूजा के खिलाफ इसने बहुत बड़ा काम किया और फिर इसको भी कत्ल कर दिया गया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें आज समझना और जानना है कि किस तरीके से हम इस परसिक्यूशन से बच सकते हैं। जॉन जिस पर मुकाशफा जाहिर हुआ, खुदा ने अपना मुकाशफा दिया, उसको पिटमस के जजीरा में बंद कर दिया गया और उसको तेल के कड़ाह में डाला। खुदा उनके फजल से उसमें भी वो बच गया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हमें इस बात को जानना और समझना है कि अजीतें आएंगी। सदरक मीसक अब्दनजू की तरह जलती आग की भट्टी में डाला जा सकता है। मौत के साया की वादी में से भी आपका गुजर हो, लेकिन खुदावंद आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक में कहा है, यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 18वीं आयत में, कि ये सब कुछ इसलिए होता है कि तुमसे पहले दुनिया ने मुझसे अदावत रखी है, इसलिए फिक्रमंद नहीं होना, परेशान नहीं होना, किसी भी बात में दुखी नहीं होना, क्योंकि इस दुनिया का काम ही है अदावत रखना, दुनिया का काम ही है दुख देना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का वादा ये है कि मैं देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वो हमारे साथ है। इसलिए जब कभी दुख आए, जब कभी मुसीबत आए, तो फिर घबरा नहीं जाना। लुका की झील के 6वें बाब की 26 आयत में लिखा है, 22 आयत से आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लानतान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान कर काट देंगे, तो तुम क्या होगे? मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हो। अफसोस तुम पर जो अब असीर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जो सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अजियतों का आना ज़रूरी है। कलाम कहता है, कलाम में लिखा हुआ है कि आखिर ज़माना में लोग ऐज़ा देंगे, लोग आपको कत्ल करेंगे, मारेंगे, पकड़वाएंगे, अदावत रखेंगे, लेकिन जो जान देने तक वफादार होगा, जो मत्ती 5 बाब के मुताबिक जब लोग तुम्हें लान तान करें, सताएं और हर बुरी बात तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि तुमसे पहले भी नबियों के साथ ऐसे किया गया था। तो मेरा ईमान है कि आप इस कलाम को जब अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, इस अजियत की बात को, एज़रसानी की बात को कबूल करेंगे, तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा और जलाली काम करेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन। आसमानी बाप, हम आपकी इन नसीहत अमोज बातों के लिए, आपकी पेशन गोइयों के लिए जो कलाम अकदस में मौजूद हैं, हम आपका शुक्र करते हैं और आपको मुबारक कहते हैं। इस कलाम के लिए आपका शुक्र हो, इन बरकत की बातों के लिए आपका शुक्र हो। खुदावंद प्लीज़, जब अखीर ज़माना है, एज़रसानी होने को है, हो भी रही है और होने को है, तो प्लीज़ खुदावंद अपना जलाल, अपना चेहरा अपनी कलीसिया पर जलवा गिर फरमा कर अपनी कलीसिया को अपने पाक और पवित्र और जलाली हाथों में महफूज रखना, अपने चेहरा के नूर को जलवा गिर फरमा कर
खुदा उन हर जान को अपने पाक हाथों में संभालना। खुदा प्लीज अखीर जमाना में हमें ईमान पर कायम रहने का फजल देना और ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल देना। आपका शुक्र करते हैं, आपकी ताजीम करते हैं। खुदा यीशु मसीह के अलकादर जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इस वीडियो को सुने, गौर से सुने और फिर एक अपने क्लिक से इसको शेयर करें। शायद एक जिंदगी, शायद आपके एक क्लिक से एक जिंदगी बदल जाए और वो खुदा यीशु मसीह के लिए कभी इनकार ना करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से कसरत की बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।